भारत में क्रिकेट प्रसारण के लिए बीसीसीआई जल्द जारी करेगा टेंडर। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मीडिया राइट्स 2023-27 के लिए टेंडर जारी करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई 19 अगस्त तक मीडिया राइट्स की बिक्री का ऐलान कर सकती है। बता दें कि ये राइट्स भारत में होने वाले मैच के लिए रहेंगे। वर्ल्ड कप से पहले भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के लिए नए ब्रॉडकास्टर्स के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। भारतीय सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ने चीन में होने वाले एशियाई गेम्स के लिए 16 सदस्यीय महिला टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय महिला टीम 23 सितंबर से चीन के हांगझोउ में होने वाले एशियाई गेम्स में हिस्सा लेगी। भारतीय सॉफ्टबॉल संघ के अध्यक्ष नीतल नारंग ने कहा कि एशियाई खेलों के जरिए भारतीय महिला टीम अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को दिखाएगी। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आईसीसी की सालाना बैठक हुई। इस बैठक में वनडे वर्ल्ड कप मैच समेत तमाम आईसीसी के मुकाबलों पर चर्चा हुई। साथ ही आने वाले अगले सालों के लिए क्रिकेट कैलेंडर भी तैयार किया गया। खबर है कि इस बैठक में 50 ओवर के मुकाबलों को लेकर भी मंथन हुआ। बता दें कि आईसीसी की ये बैठक बच्चों को क्रिकेट से जोड़ने की थीम पर रखी गई। दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आईएसएसएफ शूटिंग की जूनियर विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता के आखिरी दिन भारत ने एक और गोल्ड अपने नाम किया। बता दें कि जूनियर प्रतियोगिता में भारत की ओर से निशानेबाज कमलजीत ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में 21 साल से कम आयु के 90 भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत के नाम कुल 17 मेडल रहे।